हाय गाइस, वेलकम टू हेलो विकी। सबसे पहले आपकी सपोर्ट एंड लव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन का नाम शायद आप सुना ही होगा। वो एक सक्सेसफुल ब्रिटिश बिजनेस और एक मोटिवेशनल स्पीकर और यूनाइटेड किंगडम के चौथे सबसे रिचेस्ट पर्सन है। आज वो अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेस है, बट उन्हें बचपन में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उनका बर्थ 18 जुलाई 1915 को लंदन में हुआ था। उनके फादर एडवर्ड निकोल ब्रांसन एक बैरिस्टर थे। उनकी माँ हुई ब्रांसन के एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। रिचर्ड ने अपने 13 ईयर्स की पढ़ाई स्केटलाइफ स्कूल और उनकी बात बोर्डिंग स्कूल स्टोर में की। बचपन में उन्हें डायलेक्सिया की बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पर्सन को कुछ भी पढ़ने, जैसे लेटर समझने में, कुछ भी दिमाग में एनालिसिस करने, याद रखने और बोलने में दिक्कत होती है। ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसी कारण से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब थी, बट कुछ टीचर मानते थे कि उनमें कुछ हिडन की इंटेलिजेंसी है। उनके हेडमास्टर का यह तक कहता था कि या तो ये लड़का जेल जाएगा या एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और उसके बाद 16 इयर्स के एज में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने सबसे फर्स्ट बिजनेस एक मैगजीन द स्टूडेंट मैगजीन के नाम से की, जैसे रातों रात सक्सेस मिली। उन्होंने अपने कंपनी का नाम वर्जिन रखा क्योंकि वो बिजनेस में नए थे। लंदन वो जैसी कम्युनिटी में रहते थे जो म्यूजिक और ड्रग्स से गिरी हुई थी। फिर 1972 में उन्होंने वर्जिन रिकॉर्ड नाम से एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो लॉन्च की, जिसे वो रेंट पर म्यूजिक आर्टिस्ट को देते थे। और उन्होंने काफ़ी सारे म्यूजिकल ग्रुप जैसे कल्चरल ग्रुप, सेक्स पिस्टल, द रोलिंग स्टोन्स नाम के ग्रुप के साथ काम किया था, जिनसे उन्होंने काफ़ी रेवेन्यू जनरेट की। और वो वर्ल्ड की टॉप के रिकॉर्डिंग कंपनी में से एक बन गई। इस सक्सेस के बाद 1984 में वर्जिन अटलांटिक एयरवेज कंपनी सेटअप की। उसके बाद 1999 में वर्जिन मोबाइल, फिर वर्जिन ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद ब्रिटिश फ्रेंचाइजी के रेलवे इंडस्ट्री से वर्जिन ट्रेन नाम से भी ट्रेन लॉन्च की और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहे। उन्होंने नाइजीरिया में भी एक एयरलाइन कंपनी को लॉन्च की जिसका नाम वर्जिन नाइजीरिया रखा। 2007 में वर्जिन अमेरिका नाम का एक और एयरलाइन लॉन्च की। आज वर्जिन ग्रुप में करीब 400 कंपनीज है, ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। उन्होंने वर्जिन यूनाइट नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है, जिसका रेवेन्यू से वे चैरिटी भी करते हैं। कुछ लोग को ये भी कहते हैं कि यह बिलीव करना मुश्किल है क्योंकि कोई उसके लाइफ में इतना कुछ कैसे अचीव कर सकता है। रिचर्ड ब्रांसन सही एक इंटरनेशनल बिजनेस मैन आइकॉन है जिन्होंने इतना कम समय में इतना कुछ अचीव कर लिया है। उनका कहना है कि लाइफ में कभी भी अपने फेल्यूर से शर्मिंदा ना हो, अपने फेल्यूर से सीखो, फिर से शुरुआत से आगे बढ़ो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करके हमारी मनोबल बढ़ा सकते हैं और आपको फर्दर वीडियोस के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका ओपिनियन हमारी वीडियोस पर कमेंट सेक्शन पे डालकर
अपनी फीडबैक बता दीजिए। धन्यवाद। Hey everyone, are you looking to have a new website? We provide eloquent and beautiful websites. Free domain, free hosting, business email, spites.com.